नमस्कार दोस्तों, जसवान में आपका स्वागत है। आज चला है 2 सितंबर, फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग भाई बड़ी खबर निकल के आ रही है। टीम इंडिया की तीसरी बैठक बनी बेहद अहम, बीजेपी की रणनीतियों का हो गया पर्दाफाश, जल्द कराना चाह रही है केंद्र चुनाव। अब सीटों के बंटवारों से पहले ही राहुल जा रहे हैं प्रचार करने, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बुरे फंसते रहे शिवराज मंत्री, उनके एक एक कर पोल खोल रहे, कमलनाथ ने बोला करारा हमला। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, एक देश में एक चुनाव पर भड़का है विपक्ष, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस अगर फिर से एमपी में आ रही है तो गृहलक्ष्मी योजना लाई जाएगी, दिग्विजय सिंह का हुआ ऐलान। एक और बड़ी खबर, हिडन रिपोर्ट 2.0 से ध्यान भटकाने की चाल है वन नेशनल वन इलेक्शन की। जी हां, विपक्ष ने ये बड़ी बात रखी है। एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आ रही है, हाईकोर्ट के फैसले से पहले बदल गए हैं जज। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे, बदल गए जज। वहीं एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, यानी कि देखा जाए पाकिस्तान जैसे हाल बन चुके हैं मणिपुर के, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने कहा कि दावा किया है 60% आबादी का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, बीजेपी कैसे सत्ता में आ सकती है, और चीन का भी जिक्र किया है, बताएंगे इसके बारे में। ओवैसी ने तत्काल सत्र बुलाने को लेकर करारा हमला बोला और अपनी तीन मांगे रखी हैं केंद्र की सरकार के साथ, बताएंगे कि करके विस्तार से। लेकिन तमाम बड़ी खबर को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा, देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें टीम इंडिया की तीसरी बैठक बन गई बेहद अहम, इसकी क्या वजह है जरा ये समझिए। आपको बता दें केंद्र जल्द चुनाव कराना चाह रही है, यही वजह है कि अब इंडिया गठबंधन चुनावी प्रचार में जुटने जा रहा है और सीटों के बंटवारों को लेकर अभी कुछ खास बातें नहीं निकल के आ रही हैं। विपक्ष के 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग मुंबई में शुक्रवार को हुई, जिसमें 14 सदस्य भी तय हुए हैं और एक समन्वय समिति बनाने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का नारा भी तय किया गया है, लेकिन इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ी बात नहीं हुई है और न किसी के साथ कोई समझौता देखने को मिला। हालांकि मीटिंग में जल्दी लोकसभा की आशंका जरूर जताई गई है, संसद सत्र को लेकर संदेह जरूर दिखाई दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मीटिंग के बाद कहा कि कब चुनाव हो जाए कुछ पता नहीं है, हमें अभी से ही खास तौर पर चुनाव पर ध्यान देना चाहिए, हमें अभी से ही प्रचार में जुट जाना चाहिए। उनसे पहले देखा जाए उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण में भी संसद के विशेष सत्र को लेकर आशंका दिखाई थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अब सेशन बुलाने जा रहे हैं, अब क्या होगा, ये तो आधी रात कोई भी ऐलान कर देते हैं, ये बंद हैं और वो बंद है, आखिर अचानक विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि क्या पता फिर से कोई नया बवंडर लाया जा रहा हो, देश के मुद्दों से भटकाया जा रहा हो, इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह का कार्य करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 24 का चुनाव बेहद अलग होने वाला है और उनकी हार काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। वैसे आपकी क्या राय, जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बताते चलें कि भ्रष्टाचार के मुद्दे में बुरे फंस चुकी है बीजेपी सरकार, मध्य प्रदेश में कुछ भी हो जाए इस बार नहीं होगा बेड़ा पार। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तो दिल्ली में बन रहे मध्य प्रदेश भवन में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा, शिवराज सिंह चौहान एक ही मंत्र है, पैसा दो और काम लो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं करते हैं, बल्कि हर एक्शन में भ्रष्टाचार करते हैं। मध्य प्रदेश का 50% कमीशन राज हर रोज नए नज़ारों में पेश हो रहा है, दिल्ली में बनाया गया मध्य प्रदेश भवन इसका ताज़ा उदाहरण है। कमलनाथ ने अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, मैंने जब दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन की आधारशिला रखी थी तो किसी भी प्रदेश का सबसे सुंदर भवन बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसे भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ा दिया है। सरकारी अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ कुछ
मदों में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। ईमानदारी से जांच की जाए तो तमाम स्मारकों में भी आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री। एक देश में एक चुनाव पर भड़का है विपक्ष। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम रही और मुंबई में चली। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने खास तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई है। 5 दिनों के लिए संसद स्पेशल सत्र बुलाया गया है। संभावना है कि इस दौरान सरकार संसद में विधेयक पेश कर सकती है। विपक्षी दलों में इसको लेकर हलचल है। विपक्षी नेता वन नेशन वन इलेक्शन को षड्यंत्र बता रहे हैं। विपक्षी नेताओं की मीटिंग से पहले बातचीत में उद्धव गुट ने, खासतौर पर शिवसेना के संजय राउत ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव को आगे बढ़ाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि आज मीटिंग में संयोजक पद और समिति पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ना कल वन वे नेशन और ना इलेक्शन का गुब्बारा छोड़ रही है और यह चुनाव कराने की एक साजिश रची जा रही है। चुनाव आयोग तनाव में है। इंडिया गठबंधन से घबराए हुई बीजेपी अब तरह तरह के प्रपंच रच रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जो जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया बनाई जा रही है और जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वही चलेंगे, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ज्ञानवापी को लेकर खबर है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही बदल गए हैं जज। जी हाँ, सर्वे के बीच नई याचिका हो गई दायर। उत्तर प्रदेश के बनारस में ज्ञानवापी के ASI सर्वे के बीच देखा जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक नई याचिका दायर होने के बाद और इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसले के कुछ ही दिनों बाद फिर से दोबारा सुनवाई के लिए एक याचिका दायर की गई, जिससे मामला फिर से गर्मा उठा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रतिकर दिवाकर 12 सितंबर 2023 को इस पर फैसला सुनाएंगे। जिन मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है उसे फैसले आने बाकी हैं अथवा कई कोर्ट के इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस की याचिकाकर्ता राखी सिंह की ओर से बनारस के ज़िला जज डॉक्टर AK विश्वेश्वर की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का भी वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग उठाई थी, जिस पर कोर्ट ने 8 सितंबर को सुनवाई करने का ऐलान किया है। लेकिन देखा जाए हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद सबसे पुराने कयादों में रहा है। सुनवाई 28 अगस्त को हुई थी, जिसमें बता कोई खास फैसला निकल के नहीं आया था। लेकिन कुछ पहले न्यायमूर्ति प्रकाश पंडिकर का तबादला भी हो गया। मुख्य न्यायाधीश फिर यहाँ पर पितंगर दिवाकर आए हैं और एकल पीठ में इस मामले में खासतौर पर तलब किया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए जिसका पत्ता कटा उनका नाम प्रकाश पांड्या था और उन्हें हटाकर यहाँ पर पितंगर दिवाकर को लाया गया है। इसकी क्या बड़ी वजह है, ये ज़रूर बताइएगा। आखिर जज क्यों बदले जा रहे हैं? चलेंगे, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में भी गृहलक्ष्मी योजना लाई जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, जिस तरह से कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना बहाल की गई, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी होगा अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो। देखा जाए कर्नाटका में मिली जीत का फार्मूला कांग्रेस जल्द होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी भुनाना चाहेगी, तभी वो कर्नाटक के कामों के बदले अब खास तौर पर MP में चुनाव जीतने की तैयारी बनाई जा रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर 2 राज्यसभा सांसदों के बयान से ये संकेत दे दिए हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कर्नाटक सरकार की तरह हर महीने प्रत्येक परिवार को गृहलक्ष्मी योजना के तहत 2,000 रुपये सीधे खाते में डालेगी। MP में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हम एक एक वादा पूरा करेंगे। इसी तरह जनसभा सदस्य विवेक तनखन्ना ने मांग की है कि चुनाव वाले राज्यों सहित सभी कांग्रेस शासित राज्यों में कर्नाटका की तर्ज पर गृहलक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। और ये बड़ी बात कही जा रही है विवेक की तरफ से। वैसे आपकी क्या राय है, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? क्या BJP का सुपड़ा साफ हो जाएगा या फिर से सत्ता में BJP आएगी, कांग्रेस नहीं लौटने वाली है? अपनी राय देना ना भूलिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाने पर अवैसी भड़के और रखी अपनी 3 बड़ी मांगे। केंद्र सरकार ने सभी को चौंकाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाया हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 31 अगस्त को एक्स पर संसद का विशेष सत्र 18 से 22 अगस्त तक चलेगा ऐसा बताया है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। संसद के विशेष सत्र को लेकर अब तरह तरह की बातें
होने लगी हैं। अब इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान तीन मांगे रखी हैं। ओवैसी ने कहा कि सत्र के दौरान चीन के साथ सीमा मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए और जस्टिस रोहिणी आयोग की सिफारिश को लागू करना चाहिए। वहीं ओवैसी की तरफ से हैदराबाद के लोकसभा सांसद ने समाचार एजेंसी NI से कहा कि हम शुरू से ही एक विशेष सत्र की मांग कर रहे थे क्योंकि चीन ने भारत की 2000 वर्ग मीटर ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया है। चीन डेफसोंग के डैम चौक को नहीं छोड़ रहा है। जब सरकार विशेष सत्र बुलाएगी तो हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी चीन पर चर्चा की अनुमति देंगे। दूसरा, कलेक्ट्रेट पहुँचे, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी नीतीश कुमार को दिया। वकीलों ने चार दिन के अंदर कार्यवाही की मांग की है। उत्तर प्रदेश वार काउंसिलिंग में आह्वान पर फैजाबाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं देखा जाए वकीलों ने प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए एक्ट का लागू करने, हापुड़ में चोटिल अधिवक्ताओं को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने, पुलिस और प्रशासन से दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और SIT जांच कराने की मांग कही गई है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार घुसपैठ और वकीलों से झड़प होती रहती है, क्या इसको लेकर कानून जो बनाया गया उन्हें लागू करना चाहिए और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और अपडेट, RSS प्रमुख मोहन भगवत का एक बार फिर से बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS प्रमुख मोहन भगवत का एक नया बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना है हिंदुस्तान में जो भी रह रहा है वो केवल और केवल हिंदू है और जो भारत है वो खुद ही हिंदू राष्ट्र है। वैश्विक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतीय हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक RSS प्रमुख भगवत ने शुक्रवार 1 सितंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में यह टिप्पणी की। वह दैनिक तरुण भास्कर अखबार चलाने वाली कंपनी नारकेशी प्रकाशन लिमिटेड की नई इमारत मधुकर भवन के उद्घाटन के मौके पर यह सब बयान दिया। RSS प्रमुख भगवत ने कहा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और यह सच्चाई है और यह किसी से नहीं छिपी है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू और हिंदू का मतलब सभी लोग भारतीय हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा क्या जो ये बातें कही जा रही हैं कितनी सही हैं कितनी गलत, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से घबराई PM मोदी, ला रही है वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, क्या BJP और NDA टीम इंडिया की गठबंधन की लोकप्रियता से डर गई है? NDA की बढ़ती हलचल और बैठकों के दौर के साथ साथ सरकार द्वारा कुछ नए कोशिश की जाएगी। विपक्षी पार्टी से क्या पूरी तरह से घबरा चुकी है, खासतौर पर NDA और BJP, इसलिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, या फिर टीम इंडिया इस बार सत्ता में आने वाली है या इसलिए बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। तो यहाँ पर ये बातें निकल के आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को वन नेशन वन वे पर केंद्र पर कड़ा विरोध दिया। उन्होंने कहा ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। INS से बात करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भरद्वाज ने कहा और कुछ नहीं बल्कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2.0 से असली मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब तरीका सोचा गया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2.0 के वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक डिबेट किया जा रहा है। भरद्वाज ने खासतौर पर INS से कहा कि केंद्र सरकार इंडिया ब्लॉक की बढ़ती लोकप्रियता और खासतौर पर इस बार सत्ता में परिवर्तन से घबरा चुकी है क्योंकि कर्नाटक से ही साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश में भी उनका सफाया होगा। वैसे आपकी क्या राय है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर और कहीं ना कहीं राजस्थान चुनाव को लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा और बताइएगा क्या केवल विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में भी बदलाव हो सकता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिएगा। इस खास बुलेटिन बस इतने ही, मिलेंगे आपको बड़ी बड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।